Hello students, welcome in session 4 of lesson 2, Earth and Globe. Today we continue lesson 2. In the last video, we learned the topics. Number 1 is ocean and continents. What are oceans? Very large water bodies are called oceans and continents. Very large land masses are called continents. Next is globe. Globe is the man-made model of the Earth. Number 3 is map. Map is a flat representation of the Earth. Now next and today's topic is scale. We all know about a scale. It is used for measurement. लोग सब जानते हैं कि scale से क्या काम होता है? Scale से हम लोग नापते हैं कोई भी चीज को. But in map, लेकिन map में क्या होता है? Its meaning is different. एकदम अलग है. मैप वो स्केल और इसका स्केल मैप का स्केल दोनों में बहुत अंतर है. इन मैप इट्स मीनिंग इज डिफरेंट. इन मैप वी यूज इट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. मैप में यदि हमको दो प्लेसेस की दूरी नापनी है तो हम स्केल को कब प्रयोग करते हैं. इट इज अ स्केच ऑन द मैप बाय विच वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. We cannot draw a map showing the actual size of a place. हम बिना मतलब we cannot draw a map. हम map बिना किसी मतलब कोई भी actual size जो उसको असल में जो size है map का या फिर असल में कोई भी places का size है उसको हम map इतना बड़ा तो बना नहीं सकते. इसलिए हमें map बनाने के लिए एक scale को मान के चलना पड़ता है. We cannot draw a map showing the actual size of a place. किसी भी जगह को हम उसका एक्चुअल साइज में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. अर्थात हम मानचित्र में किसी भी जगह की वास्तविक दूरी को नहीं दर्शा सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा मैप बनाना असंभव है. देयरफॉर ए स्केल इज यूज्ड. इसलिए हम लोग मैप में एक स्केल का प्रयोग करते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज लीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल. हम उसको लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल कह सकते हैं. विच इज इन द फॉर्म ऑफ बार्स. जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है This is the scale used in maps. These are form of bars. अर्थात मानचित्र में इस्तेमाल होने वाले स्केल को हम लीनियर और ग्राफिकल स्केल कह सकते हैं और ये बार्स को की फॉर्म में होता है. सो द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप. इसीलिए जो स्केल होता है वो क्या होता है? रेशियो बिटवीन मतलब डिस्टेंस दो जगह की दूरियों का रेशियो होता है. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 100 किलोमीटर. माना कि दो जगह की यदि दो शहर की दूरी 100 किलोमीटर है. ऑन अ मैप इट इज शोन एज 1 सेंटीमीटर. अब 2 किलोमीटर तो हम लंबा इतना दूर बड़ा मैप बना नहीं सकते तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान देते हैं. जैसे कि अब स्केल यहां पर दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक. तो इस तरह से हम इसको नापते हैं. जैसे यदि हमको ये इस तरह का बार हमेशा मैप के बीच में आपको दिखेगा. जब भी मैप आपको देखोगे तो उसमें ऐसा मैप में आपको स्केल जरूर दिखेगा. द स्केल इज जनरली शोन इन द सेंटर ऑफ. लेकिन हम इसकी दूरी को ऐसे लिखते हैं जैसे यदि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. यदि 100 किलोमीटर की दूरी हमको बनानी है तो हम 1 सेंटीमीटर बना लेंगे. 1 सेंटीमीटर 100 की है, 2 सेंटीमीटर 200, 300, 400 ऐसे हम स्केल को नाम चलते हैं. यहाँ 1 सेंटीमीटर यदि किसी जगह की 100 किलोमीटर दूरी है तो हम 1000 का स्केल. Now, next topic is fifth number sketch. What is a sketch? A map without a scale is a sketch. Map को बिना scale के हम यदि बनाएंगे that is sketch. तो हम उसको sketch कहते हैं या फिर इसको हम rough drawing भी कह सकते हैं. कोई भी rough मतलब idea बना लेंगे कि किसी भी चीज का तो उसको rough बिना scale के जो map बनाएंगे वो that is called sketch. Now, next topic is directions. Most of you would have seen maps with an arrow with letter N. तुम लोगों ने अधिकतर मैप में देखा होगा कि
ऐसे एरो बना रहता है, उसमें वहां पर एन लिखा रहता है. कैन यू गेस व्हाट डज दिस एरो एंड लेटर एन रिप्रेजेंट? वेल, द एरो एंड लेटर एन रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द मैप. इन मोस्ट ऑफ द मैप यू विल गेट टू सी नॉर्थ एट द टॉप. अधिकतर मैप में क्या होता है कि टॉप डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होती है. इफ यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन, यदि तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन पता है, देन यू विल फाइंड अदर डायरेक्शन इजिली. तो तुम्हें दूसरी डायरेक्शन आराम से पता चल सकती है. जैसे लेट अस सी कैसे. वेल, द डायरेक्शन दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ठीक अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज साउथ. नेक्स्ट डायरेक्शन दैट इज टू द राइट. राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, इज द ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट. एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉर्थ इज द वेस्ट डायरेक्शन. दिस नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट. द डायरेक्शन दैट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बिटवीन कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. अब साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होती है, साउथ ईस्ट होगी. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. द डायरेक्शन दैट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट. लाइकवाइज डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट, एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट, एंड बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज साउथ वेस्ट. These directions, that is north, south, east, west, these are called direction, and northwest, northeast, southwest, southeast, these are called subdirections. Students, here are some word meanings you have to write in your notebook. Number one is continent, it is a large land mass area. Number two is ocean, large water bodies. Number three is globe, man-made model of the earth. Number four, map, a drawing of the earth or a part of the earth on a flat surface. Number five, atlas, a book of maps. Number six, scale, the ratio between the distance on the ground and the distance on the map. Number seven, direction, indication of east, west, north and south. Number eight, conventional symbols, a symbol that is widely accepted interpretation. Number 9 is sketch, rough drawing of an area based on memory. Number 10, pose, the extreme points on the earth's surface through which its axis passes. Number 11 is equator, the imaginary line which divides the earth into two halves. Now, all of you write it in your notebooks, and I will give some questions, question answers, MCQ, fill up in your homework. All of you do it in your notebooks. Now we will meet in next video. Bye.